एपिसोड 697 नरभक्षी का खात्मा। छलावा और विकी कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। छलावा ने तुरंत विकी को अपने पीछे किया और बोला, तुम यही रहना, मैं अभी आता हूँ। विकी बोला, कहाँ जा रहे हो? छलावा ने कहा, बस 2 मिनट तुम यही रहो, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर छलावा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके सामने एक छोटा सा झरोखा था। क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी तो छलावा उसके भीतर से झांक कर देखने लगा कि आखिर ये आवाज क्या थी। और जैसे ही छलावा उस झरोखे के नजदीक गया, वो बदबू और तेज हो गई। भीतर का नजारा देखकर छलावा को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे अभी उसके पैर जवाब दे देंगे और वो गिर जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ उस झरोखे से सपोर्ट किया और दूसरी तरफ देखता रहा। उसने पाया वहां पर बहुत सारे नरभक्षी थे, जिनमें औरत, मर्द, बच्चे सब शामिल थे। और उन लोगों के सामने 2-3 लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें वो नोच नोच कर खा रहे थे। अभी छलावा ये देख ही रहा था कि विकी बोला, क्या देख रहा है? छलावा एकदम से झरोखे से नीचे आया और विकी का मुंह बंद करते हुए बोला, मैंने बोला था ना वही रहना, यहाँ क्या करने आए हो? विकी बोला, तुझे देर हो गई तो मैं देखने आ गया, लेकिन ये आवाज कैसी है? छलावा ने कहा, तुझे देखना है? विकी बोला, हाँ, मतलब क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। छलावा ने नीचे झुकते हुए कहा, मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ। विकी बोला, मैं बहुत भारी हूँ, बस दिखने में ही ऐसा हूँ। छलावा बोला, जो कह रहा हूँ वो करो। विकी तुरंत छलावा के कंधे पर खड़ा हो गया और छलावा उठकर खड़ा हो गया। विकी उस झरोखे से देखने की कोशिश करने लगा और अगले ही सेकंड उसने अपने मुंह को दबा लिया और छलावा तुरंत नीचे झुका और विकी नीचे उतरते हुए वहां से जिस तरफ से आया था वही उल्टे पैर भाग गया और एक कोने में जाकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। छलावा ने पीछे से आते हुए कहा, देख लिया, मिल गई तसल्ली? विकी ने कहा, ये क्या था, अगर मैंने 1 सेकंड और देख लिया होता तो मैं वही उल्टी करने लग जाता। छलावा बोला, हाँ, और उन लाशों में से 2 हमारी भी लाशें होती जिन्हें वो अगले पल नोच कर खा रहे होते। विकी ने कहा, ये कैसे लोग हैं, जिंदा हैवान है? छलावा ने कहा, नरभक्षी यही होते हैं विकी, ये इंसान बस इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके पास शरीर होता है और ये सांस लेते हैं, लेकिन असल में ये लोग बिल्कुल हैवान होते हैं। इनका इंसान और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता। जब तक कि हम ये सब अपनी आंखों से ना देख लें, तब तक हमें ये सब कुछ किस्से कहानी की बात लगती है। सच कहूँ तो मुझे भी ये किस्से कहानी की बात लगती थी। खैर चलो यहाँ से, अभी तक हमें ध्रुव और तारा के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी विक्की ने कहा, छलावा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इसी तरफ आ रहा है। छलावा ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब क्या करें, यहाँ तो कोई छुपने की भी जगह नहीं है। तभी छलावा बोला, 1 मिनट। इतना कहते हुए छलावा ने तुरंत अपना रूप बदला और उन्हीं नरभक्षियों जैसी वेशभूषा बनाकर विकी से बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो। विकी ने अपनी आंख बंद की और छलावा ने तुरंत उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। विकी बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? छलावा ने कहा, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और ऐसे रहो जैसे तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। उसके बाद छलावा बड़े आराम से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ आगे जाने पर वो कदमों की आहट आनी बंद हो गई। छलावा अपने मन में बोला, लगता है वो जो भी था इधर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार अपनी तरफ से सतर्क रहना होगा। इतना सोचकर छलावा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ उस गलियारे के आखिरी मोड़ पर आ गया और उसने झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिर उस तरफ कोई था कि नहीं। उसने देखा दूसरी तरफ कोई नहीं था। छलावा तेजी से सामने की तरफ गया क्योंकि वो जल्दी वहां से निकलना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जाता उसके कंधे पर जोर से वार हुआ और छलावा मुंह के बल नीचे गिर गया। उसके साथ ही विक्की भी नीचे गिरा और दर्द से सिसकता हुआ बोला, मर गया माँ, मर गया मैं। विकी और छलावा दोनों दर्द से सिसक रहे थे कि उन्हें ध्रुव की आवाज सुनाई दी, विकी तू यहाँ कैसे और तू इसके चंगुल में कैसे फंस गया? इतना कहते हुए ध्रुव ने फुर्ती से विकी को संभाल कर उठाया और अपने घुटनों से छलावा पर वार करने वाला था कि एकदम से रुक गया। छलावा बस घबराया हुआ ध्रुव की तरफ देख रहा था कि ध्रुव बोला, छलावा ये तू है क्या? छलावा तुरंत अपने असली रूप में आया और बोला, शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही, वरना तो आज तुमने मेरा काम तमाम कर दिया होता। विकी अपने कंधे जोर से दबाता हुआ बोला, अगर तू था तो इस तरह से संदिग्ध की तरह क्यों आया? तेरे चक्कर में इसने मुझे कंधे पर उठाया और तूने मेरा कंधा तोड़ दिया। ध्रुव ने छलावा को संभाल कर खड़ा किया और फिर विकी से बोला, मुझे क्या पता कि ये तुम लोग हो, मुझे क्या सपना आ रहा था? और 1 मिनट, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो?
विकी ने कहा, तुझे क्या लगता है, एक तू ही काबिल है? तू हमें चूना लगाकर यहाँ भाग आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव ने कहा, और रितु का क्या? विकी बोला, उसे मैंने तेरे सामने ही तो जुल्मी के साथ भेज दिया था ना, तुझे क्या लगा कि हम उसके पीछे जाएंगे दोबारा, जबकि यहाँ तू और तारा दोनों ही मुसीबत में थे। ध्रुव ने कहा, ये क्या किया विकी, यहाँ पर क्या सब हो रहा है, तुम लोगों को कुछ आइडिया भी है और तुम लोग भी यहाँ आ गए हो? छलावा ने कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम तो सही सलामत हो लेकिन तारा कहाँ है? तारा तुम्हें मिली या तुम भी हमारी तरह बस गोल गोल घूम रहे हो? क्योंकि ये जगह अपने आप में एक भूलभुलैया जैसी है, इतने सारे गलियारे हैं जहाँ से निकले वापस घूमकर हम वहीं पहुँच रहे हैं। इस जगह के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव ने कहा, वो तो है लेकिन इस जगह में एक ऐसा भी हॉल है जहाँ पर वो विशाल मूर्ति है जिसके बारे में मुझे उस लड़के रीटी ने बताया था, मैं उसी जगह को ढूंढ रहा हूँ। दरअसल तारा मुझे मिली तो थी लेकिन उसके बाद, ध्रुव ने तारा के मिलने के बाद उस प्रेत के बारे में और नरभक्षियों के बारे में सारी चीजें विकी और छलावा को बताई और बोला, मैं भी तारा को ही ढूंढ रहा हूँ और हो ना हो मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने तारा को वहीं रखा है, क्योंकि जो कुछ भी होना है इस विशाल मूर्ति के सामने ही होना है। विकी ने कहा, लेकिन तुझे लगता है कि हम लोग इतनी आसानी से वहां तक पहुंच पाएंगे? जैसा कि तू बता रहा है उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि वहां तक पहुंचना ही सबसे बड़ा टारगेट है। ध्रुव कुछ सोचता हुआ बोला, हाँ लेकिन अब अगर तुम लोग आ ही गए हो तो चलो, एक से भले दो से भले तीन। विकी धीरे से बोला, हाँ और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है। ध्रुव ने कहा, बनौती लगाने वाली बातें मत कर और सुनो, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। विकी ने कहा, कैसा आइडिया? ध्रुव ने मुस्कुराकर छलावा की तरफ देखा और छलावा बोला, समझ गया। विकी ने कहा, लेकिन अभी तो उसने कुछ कहा ही नहीं, तू समझ कैसे गया? ध्रुव ने विकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो समझ गया, तू नहीं समझेगा, रहने दे। विकी बोला, इतने सीरियस माहौल में भी तुम लोगों को ये पहेली खेलना सूझ रहा है? ध्रुव ने कहा, पहेली तो तू समझ रहा है, हमने तो मुद्दे की ही बात की। ध्रुव अभी इतना बोल ही रहा था कि छलावा ने उन्हीं नरभक्षियों की तरह, जैसा कि उसने कुछ देर पहले भेस बदला था, उसी तरीके से अपना भेस बदल लिया। विकी बोला, वाह अच्छा अब मैं समझा, ये उन्हीं लोगों में मिलकर उस जगह का पता लगाएगा, है ना? ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो छलावा से बोला, सुन यहाँ से बाई तरफ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, मतलब उन झोपड़ी में ही जाती हैं जहाँ से बाहर निकला जा सकता है, वहाँ से सीधा रास्ता है। मैं और विकी छुपकर उन्हीं सीढ़ियों के पास तेरा इंतजार करेंगे, जैसे ही काम हो जाए हमसे वहीं मिलना। छलावा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से तेजी से निकल गया। विकी बोला, क्या लगता है ये काम कर पाएगा? ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ कर नहीं पाएगा अच्छे तरीके से कर पाएगा, अब जल्दी चल। विकी ने कहा, अरे सीढ़ियों के पास भी तो इंतजार ही करना है ना, यही खड़े रहे? ध्रुव ने कहा, यहाँ नहीं खड़े रहना है और ना हम अभी सीढ़ियों के पास जा रहे हैं, एक काम है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम छलावा की राह देखेंगे, क्योंकि छलावा भी इतनी जल्दी लौट कर नहीं आने वाला है। विकी ने कहा, कौन सा काम? ध्रुव ने कहा, तू चल तो मेरे साथ। ध्रुव विकी को लेकर आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास ही जाकर खड़ा हो गया। विकी ने कहा, यहीं से तो हम आए थे। ध्रुव बोला, तू रुक तो सही, तभी उन सीढ़ियों से कोई नीचे उतर कर आता दिखा। विकी बोला, ध्रुव को याद है, चल यहाँ से। ध्रुव बोला, शांति से खड़े रह। तभी विकी ने देखा, ये वही लड़का था जिसे छलावा बाहर मिला था। विकी बोला, ये यहाँ? जब हमने इससे रास्ता जाने की कोशिश की तब ये सीधा अंदर भाग गया था, कितनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अब ये खुद यहाँ आराम से चला आया, ये यहाँ क्या कर रहा है? ध्रुव ने कहा, अरे ये बच्चा है विकी, एक साथ इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम। विकी ने देखा उसके हाथ में लोहे का एक रॉड था जो आगे से थोड़ा चपटा और नुकीला था। रीटी नीचे आया और ध्रुव के हाथ में वो रॉड देकर सीधा ऊपर की तरफ भाग गया। विकी बोला, ये क्या था, ये लड़का तुझे ये लोहे का रॉड पकड़ा कर क्यों चला गया? ध्रुव ने कहा, ऊपर से ये लोग गिनती के ही लगते हैं जो समय समय पर गांव में भी आना जाना करते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में हैं, जो कि जमीन के नीचे रहते हैं और जो काली शक्तियों की साधना का मुख्य काम करते हैं, वो रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं। मैंने और छलावा ने जिन्हें जंगल में देखा था वो उन्हीं में से थे। ये लोग कभी भी दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, क्योंकि सूर्य की रोशनी उनके लिए तेजाब की तरह काम करती है, और जो लोग दिन में बाहर जा पाते हैं वो भी कभी तेज रोशनी में नहीं निकलते। वो लोग या तो एकदम सुबह सुबह बाहर निकलते हैं या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद, और इसलिए गांव के भीतर आना जाना करते हैं ताकि लोगों की नजर में ये नॉर्मल लगे। और इनका काम ये जानना होता है कि क्या किसी की मौत हुई है या कोई ऐसा इंसान ढूंढना जिसका शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए ये लोग आसानी से कर सके। विकी बोला,
तो तू कहना क्या चाहता है ये बता। ध्रुव ने कहा, इस रॉड से इन मिट्टी की कच्ची दीवारों को तोड़ना होगा ताकि सूरज की रोशनी यहाँ अंदर तक आ सके। इन सबको एक साथ निपटाने का एक यही तरीका है कि इन सबको सूरज की रोशनी में लाकर खड़ा किया जाए, विकी ने पूछा। और फिर उसके बाद? ध्रुव बोला, अगर ये सब एक साथ खत्म हो जाएंगे तो न सिर्फ पाली के आसपास का इलाका इनके आतंक से आजाद होगा, बल्कि उस प्रेत की शक्ति भी अपने आप कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यही लोग शैतान को ऊर्जा देते हैं जिससे वो प्रेत भी ताकतवर होता है।